हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप, माय नेम इज़ प्रशांत, यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रशांत समीर। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और ऐसा है कि आज हमारा है डे टू इन मथुरा, और मथुरा में डे टू है। और आज की जो आइटनरी होगी हमारी वो एकदम सिंपल होगी। हम नंदगांव जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे और बरसाना, ये तीन जगह कवर करेंगे। तो इन तीन जगह का व्लॉग होगा। और कल जो डे था हमारा डे फर्स्ट, उसके अंदर हमने मथुरा एक्सप्लोर करा था। मथुरा में जो नॉर्मल दो तीन प्लेस थे वही गए थे, तो ये था। और अभी मैं खड़ा हूँ पोतरा कुंड पर। मंदिर और कीर्ति मंदिर जस्ट मेरे सामने है, ये रहा कीर्ति मंदिर। इसका स्ट्रक्चर मेरे को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं सावरे सेठ मंदिर में आ गया हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही दिख रहा है। तो चलते दर्शन करने। यहाँ का जो टाइमिंग है 12 बजे बंद हो जाता है, तो पहले दर्शन करके आते हैं फिर मिलते हैं। कीर्ति मंदिर के बाद अब हम दर्शन करने आए हैं राधा रानी मंदिर में, जो कि एकदम ऊंचाई पहाड़ पे था। तो हम बाइक से आए हैं और साथ में ये यहाँ से व्यू है, मंदिर जाने के रास्ते में सारा यहाँ से व्यू है। तो यहाँ से देखो व्यू कितना अच्छा लग रहा है, पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से मथुरा की। मतलब ये मथुरा नहीं, ये वो है, हाँ बरसाना, बरसाना, हाँ सही बोला। तो ये वो है, अगर मैंने गलत बोला हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, अगर मैंने बोला हो, अगर आप यहीं से देख रहे हो तो। इधर ये मंदिर है और ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से मंदिर में जाने का रास्ता है, और ये है लाडली जी महाराज। तो मंदिर में पहले चलते हैं और अब हम आ गए लाडली जी महारानी, मतलब राधा रानी टेंपल में, राधा रानी मंदिर में। और ये रहे मंदिर की सीढ़ियाँ, यहाँ से जाता है रास्ता मंदिर के लिए। और मंदिर में आगे फोटोग्राफी ज़्यादा अलाउ नहीं थी, तो मैंने एक दो फोटो या थोड़ी सी वीडियो ली तो वो मिल जाएगी आपको। सो राइट नाउ आई एम इन राधा रानी टेम्पल, और आपको राधा रानी टेम्पल मैं दिखाता हूँ पीछे। नंद महल से आ गए हैं गोवर्धन, और नंद महल से गोवर्धन कुल 10-11 किलोमीटर पड़ता है। और हम ये नंद महल जो है सामने की साइड है, और हम थोड़ा आगे तक आए थे क्योंकि हम वहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम है। लाइक आप देख सकते हो कितनी भीड़, कितना रश, इतनी गर्मी होने के बाद कितना रश है, पूछो मत। और गर्मी में कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी है, हाँ। तो मैं आपको डायरेक्ट मंदिर में मिलता हूँ, अगर वहाँ फोटो वीडियो अलाउ होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चलता है फिर। ये जो प्लेस है ये गोवर्धन मंदिर के इस साइड से आता है रास्ता, यहाँ से ऊपर आते हैं, वहाँ पे एक और मंदिर बना रखा है, ये वो है। और इधर तो ये हॉल बना रखा है बैठने के लिए, बाकी मंदिर मेन मंदिर उस साइड है। गोवर्धन मंदिर के जस्ट सामने इस साइड से यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ पे क्या हो गया भाई? नहीं भाई, नहीं 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 लगाना है, अरे भाई नहीं लगाना है। तो इधर जो मंदिर है ना यहाँ पर, मतलब ये मंदिर है इस साइड, और यहाँ से इस साइड जाओगे तो ये बड़ी परिक्रमा का स्थल है, तो यहीं से परिक्रमा होती है जो ई रिक्शा जाती है।
के दिन में बस इतना ही रखते हैं। आज का दिन एकदम शॉर्ट एंड सिंपल था, हम गए थे नंदगांव बरसाना और गोवर्धन पर्वत, तो आज की आइटनरी बस इतनी सी थी। तो अब मैं मिलता हूँ फिर आपको नए ब्लॉग में, सो नए ब्लॉग होगा कल और कल हम जाएंगे वृंदावन, तो हम मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय श्री कृष्ण और राधे।